ये बिल्कुल सही बात है कि हमारी सरकार है, दिल्ली कहने को आधा राज्य है, मेरे को तो लगता है 5% राज्य भी नहीं है। अगर ये फुल स्टेट होता, किसी ऑफिसर की हिम्मत नहीं थी कि मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना करके वो 2 मिनट के अंदर अपनी पोस्ट के ऊपर रह जाता, सस्पेंड कर दिया जाता वो सीधा। आज ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि दिल्ली एक बहुत गंदी और नीच राजनीति का शिकार है। आज ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है और इसके बदौलत रियल पावर जो है वो केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार दूसरी पार्टी की है और वो दूसरी पार्टी नहीं चाहती कि दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार अपना काम कर सके। अब हम जनता की समस्याओं का समाधान, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक योजना लेके आए, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। पिछले 2-3 साल 4 साल जब से आपने बिल नहीं दिए, उस दौरान अगर आपकी 2 या 2 से ज्यादा ओके रीडिंग मिलती है, ऐसी रीडिंग जो आप भी सहमत हो, जल बोर्ड भी सहमत है, 2 या 2 से ज्यादा ओके रीडिंग है तो उनको मान लिया जाएगा, उसकी एवरेज ले ली जाएगी और उसकी एवरेज से बाकी सारे महीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। भाई आपकी एक रीडिंग आ रही है मान लो 18,000 लीटर, एक रीडिंग है 21,000 लीटर, आप कहते हो ये 2 सही है तो 21 और 18 39,000 लीटर हो गई। 39 को 2 से डिवाइड किया, 19.5 हो गया, ये आपकी एवरेज रीडिंग। तो जितने महीनों का आपने बिल नहीं दिया उतने महीनों का इसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके आपका बिल जनरेट कर देंगे। इतनी अच्छी स्कीम, इतनी शानदार स्कीम कैसे कहां हो सकती है, इतनी सही स्कीम है। इसमें भी अगर कुछ कमियां तो हम इनके साथ चर्चा करने को तैयार है। बीजेपी वाले आए बैठे हमारे साथ चर्चा करें, कुछ चेंजेस बताएंगे, हम चेंजेस कर लेंगे उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। मैं भिदूरी जी कह रहे थे मेरे से सीख लो, जरा सिखाओ अब उसका क्या करें हम, तो मैं बाद में मिल लूंगा, चाय पे आना, चाय पे बता देना कि फाइनेंस सेक्रेटरी ने फाइल पे लिख दिया मैं कमेंट्स नहीं देता कि क्या चल रहा है, क्यों कर रहे हो ऐसा। तो अध्यक्ष महोदय आपको जान के ताज्जुब होगा कि 1-2 सीनियर मोस्ट IAS अफसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के फूट फूट के रोने लग गए, आंसू बह रहे थे उनकी आंखों से। ये उम्र रोने की नहीं है, एक IAS अफसर को इस तरह से मैंने रोते हुए नहीं देखा, फूट फूट के रोने लग गए। बोले जी हमारी नौकरी का सवाल है, हमें धमकी दी जा रही है। हमने कहा कौन दे रहा है, कहता हायर अप्स। हायर अप्स का क्या मतलब है आप लोग सोच सकते हो, ऊंचे से हमको धमकी दी जा रही है कि अगर तुमने ये स्कीम पास कर दी दिल्ली वालों के लिए तो तुमको सस्पेंड कर देंगे, अगर तुमने ये स्कीम पास कर दी। इसलिए इतना लड़ रहे हैं, सर्विसेस करते रहते हैं, क्यों करते रहते हैं ये सर्विस, नीयत खराब है इन लोगों की, सर्विसेज चाहिए सर्विसेज, इसीलिए उनको धमकी दी जा रही है तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, तुम्हारे को जेल भेज देंगे, ED CBI छोड़ देंगे तुम्हारे पीछे। वो बोले जी आप हमें, सर आप कहो तो इस्तीफा दे देंगे हम नौकरी से, लेकिन ये स्कीम हम पास नहीं कर सकते। एक तरह से दिल्ली के अंदर एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गया है, जिसके अंदर ऑफिसर्स ने लिख के दे दिया है कि हम काम नहीं करेंगे। अगर वो काम नहीं करेंगे, ऑफिसर्स लिख के दे रहे हैं कि काम नहीं करेंगे, सरकार कैसे चलेगी, क्या सरकार 2 दिन भी चल सकती है, क्या ये शोभा देता है केंद्र सरकार को, बीजेपी को ये शोभा देता है। इस स्थिति के अंदर उन्होंने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को लाके खड़ा कर दिया है, और इस सारी के पीछे कौन है, इस सब के पीछे बीजेपी है। बीजेपी दिल्ली वालों से नफरत करती है। दिल्ली वाले दुखी होते हैं, बीजेपी में खुशी की लहर दौड़ जाती है, दिल्ली वाले दुखी हैं। दिल्ली वाले बीमार होते हैं, बीजेपी वाले आनंदित होते हैं। दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं बीजेपी के लोग, जैसा परसों मैंने बताया था किस तरह से इन्होंने 2 महीने के लिए दिल्ली के अस्पतालों की दवाइयां बंद कर दी, किस तरह से इन्होंने 2 महीने के लिए पिछली बार मोहल्ला क्लिनिक के 3 महीने के लिए रेंट नहीं पे किए, मोहल्ला क्लिनिक कई किराए पे चल रहे हैं, उनके रेंट नहीं दिए, उनके बिजली के बिल नहीं दिए इन्होंने, डॉक्टरों की तनख्वाह नहीं दी इन्होंने, MTS कर्मचारियों को निकाल दिया इन लोगों ने, योगा क्लासेस दिल्ली के अंदर बंद कर दी इन्होंने। दिल्ली वालों से इतनी नफरत करते हैं ये लोग। और मैं दिल्ली वालों को कहना चाहता हूं, जब तक आपका बेटा जिंदा है इन बीजेपी वालों के सामने दीवार बन के खड़ा है, बाल बांका नहीं, और अब ये स्कीम का विरोध कर रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है अभी इन्होंने, भिदूरी साहब ने कहा कि हम स्कीम का विरोध नहीं कर रहे। अगर आप स्कीम का विरोध नहीं करते भिदूरी जी, राजनीति एक तरफ है, आपसे मेरा निवेदन है, आप ही के LG हैं, आप ही की पार्टी के हैं, आप एक बार सारे जाके, आप सारा क्रेडिट आपका, मैं लाल किले के ऊपर खड़ा होकर चिल्लाऊंगा जोर जोर से कि बीजेपी वालों ने कराया, वोट बीजेपी वालों को दे देना।
मैं बोलूंगा कि बीजेपी वालों ने कराया, वोट बीजेपी वोट के लिए कर रहे हो, और तो कोई कारण नहीं है। वोट आप ले लो सारे, हमें नहीं चाहिए वोट, हमें तो सेवा करने का मौका मिला, यही भगवान ने कोई पुराने जन्म में पुण्य किए होंगे हम लोगों ने जो हमें ये मौका दे दिया भगवान ने। ये सारी चीजें लेके मैं एलजी साहब के पास गया। मैंने एलजी साहब को बताया, मैंने कहा एलजी साहब ये धमकी दी जा रही है अफसरों को, उनको कहा जा रहा है कि अगर तुमने खबरदार अगर ये स्कीम पास कर दी तो तुमको बख्शेंगे नहीं। तो एलजी साहब ने कहा कि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है और उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, उनको इसके बारे में पता नहीं है। तो आज मैं इस सदन के माध्यम से एलजी साहब से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि एलजी साहब एक बार अगर आप फोन भी कर देंगे उठा के इन अफसरों को कि भाई ये स्कीम पास करनी है, शाम तक स्कीम पास हो जाएगी, इतना ही है बस, 3 घंटे में स्कीम पास हो जाएगी, 3 घंटे का है, और अगर आपके फोन के बावजूद नहीं करें तो एलजी साहब के पास पावर है इनको सस्पेंड करने की, हमारे पास तो नहीं है, तो इन अफसरों को तुरंत सस्पेंड किया जाए और उनको नौकरी से बाहर किया जाए अगर उसके बावजूद भी ये लोग ना करें। यहां जितने आप लोग बैठे हैं, मेरी आप सब लोगों से निवेदन है, जितने एमएलए बैठे हैं, इन 10.5 लाख परिवारों के घर घर जाना और घर घर जाके जनता से कहना कि आपका बिल गलत आया है जी, वो कहेगा हाँ जी आया, बोलो जी ये बीजेपी वाले करा रहे हैं पर चिंता मत करो, आपका बेटा लगा हुआ है, आपका बेटा आपका बिल ठीक करा के छोड़ेगा, जब तक ठीक नहीं हो जाता बिल भरने की जरूरत नहीं है, हम हैं आपके साथ, कोई बिल भरने की जरूरत नहीं है, कोई चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, जल बोर्ड के चक्कर काटना बंद कर दो, केजरीवाल है आपका बेटा है आपके साथ, घर घर जाना और घर घर जाके इसको करा के आना। और अगर इन्होंने नहीं किया विदुड़ी साहब, हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा, दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन होगा इसके ऊपर, हमें आंदोलन तो करना आता है, आंदोलन से ही निकले हुए लोग हैं, फिर दिल्ली में आंदोलन होगा, करना तो पड़ेगा, सीधी उंगली से कर दो नहीं तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, जनता करेगी हम नहीं करेंगे। अभी विदुरी साहब ने कहा कि जनता को यह पसंद नहीं है कि हम कहते हैं काम नहीं करने दे रहे, काम नहीं कर रहे, हम जनता जानती है ये गंदे लोग काम नहीं करने दे रहे, लेकिन केजरीवाल उनका बेटा फिर भी सारे काम करा लेता है। आपने मोहल्ला क्लिनिक रोके, रुकने दिए हमने, आपने सीसीटीवी कैमरे रोके, एलजी के घर उनके वेटिंग रूम के अंदर 10 दिन तक दिल्ली का मुख्यमंत्री वहां पे धरना, उसके कमरे के अंदर धरना देके आया था, सीसीटीवी कैमरे तब पास हुए थे। आपने पिछले साल दवाइयां रोकी, हमने फिर चालू कराई। आपने फरिश्ते स्कीम रोकी, हम दिल्ली सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से फरिश्ते स्कीम पास करा के लाए। आपने जल बोर्ड का पैसा रोका, 6 महीने आपने जल बोर्ड का पैसा रोका, हाई कोर्ट से ऑर्डर करा के लाए जल बोर्ड का पैसा मिलेगा। आप काम रोकते रहो, हम काम कराते रहेंगे। जहां डीटीसी पेंशन आपने रोकी, हमने डीटीसी पेंशन भी दिलवा दी सबको। किसी को मारने वाले से उसकी जान बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। लोकसभा चुनाव की राजनीति क्या नया रूप दिखा दे कह नहीं सकते। एनडीए बनाम इंडिया की महाभारत में शस्त्रों से ज्यादा मार बयान करते हैं, कहीं फूट तो कहीं सत्ता के नए समीकरण बनते हैं। इसी कड़ी में जनता के इन सम्मानीय प्रतिनिधि के बड़े बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें बताएं। और ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े न्यूज़ टुडे भारत से नमस्कार।